संदिग्ध परिस्थितियों में महाविद्यालय के चपरासी की महाविद्यालय के कैंटीन में जलकर मौत। जानकारी होते ही परिजनों में मचा कोहरम, जांच में जुटी पुलिस। जिला ब्यूरो चीफ तेज नारायण गुप्ता, जनपद कानपुर नगर घाटमपुर कस्बे के मूसा नगर मुगल रोड स्थित जनता महाविद्यालय के चपरासी की संदिग्ध परिस्थितियों में महाविद्यालय के ही कैंटीन में जलकर मौत हो गई। परिजनों द्वारा सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के बनहारी गांव निवासी राजेंद्र प्रसाद, उम्र 50 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय जय किशोर जनता महाविद्यालय में चपरासी के पद पर कार्य करता था। परिजनों ने बताया कि राजेंद्र 3 दिन से घर नहीं लौटा था। शाम को महाविद्यालय के चौकीदार दशरथ द्वारा उन्हें सूचना मिली कि राजेंद्र के कमरे से धुआं निकल रहा है और राजेंद्र जला हुआ पड़ा हुआ है। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू करते हुए फॉरेंसिक टीम को जानकारी दी। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। क्या हुआ मंगे? ये चाचा हमारे डिग्री कॉलेज में चपरासी थे, 2-3 दिन से गए नहीं, बस ये हो गया, आग लग गई। कैसे सूचना मिली आप? सूचना एक चपरासी के द्वारा, दशरथ के द्वारा। कितने समय पहले सूचना मिली आपको? अभी 2 घंटे पहले मिली, 1 घंटा पहले। किस डिग्री कॉलेज में थे ये? ये कैप्टन सुखवासी सिंह जनता महाविद्यालय। कब निकले थे घर से? कल 3रा दिन है आज। इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? हाँ, प्रधान जी ने हमारे दिए।